वेलकम नमस्ते, मैं हूँ रौनक। रणतंत्र देख रहे हैं आप। कल कोलकाता और बेंगलुरु वाले मैच के बाद पंजाब और गुजरात का मैच देखना वैसे ही लगा जैसे गर्मा गर्म आलू का पराठा खाने के बाद टिंडे की सब्जी खा लेना। इसलिए उस मैच के बारे में बाद में बात करेंगे। अभी मुझे आपसे एक नेशनल मैटर के बारे में बात करनी है जो हो सके तो अगली लोकसभा में उठाना चाहिए और उस पर सरकार और विपक्ष को एक साथ आना चाहिए। देखो, इंग्लैंड वाले हमको लूट कर गए, उस वक्त पर देश में डेमोक्रेसी नहीं थी, लेकिन अभी इस वक्त ऑस्ट्रेलिया वाले हमको भरी पूरी डेमोक्रेसी और ग्लोबलाइजेशन में लूट रहे हैं। और यहां मैं 19 नवंबर की बात नहीं कर रहा हूं। हां, ये सही बात है कि 19 नवंबर को हमारी मेंटल पीस भी लूटी थी, लेकिन यहां मैं पैसे की बात कर रहा हूं। कैश रुपया लूटा जा रहा है दिन दहाड़े। आपको इस वीडियो में बताऊंगा कैसे। अगर आपने गेस कर लिया तो कमेंट करके बताना, अगर नहीं किया तो अभी बताता हूं। पहले आपको बताता हूं कि आज आप अपनी चॉइस के ऑफर का मजा ले सकते हो। सिर्फ ₹1 में आपको मिल सकता है 2 मेगा कॉन्टेस्ट, 3 मेगा कॉन्टेस्ट या 5 मेगा कॉन्टेस्ट। चॉइस आपकी, ऑफर आपका, वीडियो में बताऊंगा कैसे। लेकिन पहले घोटाले के बारे में सुन लो। 19 नवंबर को हमें हराने के बाद ऑस्ट्रेलिया ने ऑक्शन में भी खूब मौज लूटी। खासकर कमिंस और स्टार्क ने तो मजे ले लिए भैया। स्टार्क के लिए भयंकर बिडिंग वॉर चली, लेकिन कोलकाता उन्हें जाने देने के मूड में नहीं था। गंभीर बैक टू बैक पेडल उठा रहे थे और जैसे ही 24.75 करोड़ में स्टार्क को खरीदा और फिर इतने खुश हुए थे कि मैं बता नहीं सकता आपको। अपनी बर्बादी पर खुश होते हुए मैंने पहली बार किसी को देखा था, क्योंकि स्टार्क के प्रदर्शन को देखकर लग रहा है कि इससे अच्छा तो कोलकाता वाले नोट का बंडल संभाल कर रखते और दिसंबर की ठंड में आग लगाकर सेंक लेते। शाहरुख भाई, हाथ जोड़कर विनती है, इससे अच्छा तो आप जब हैरी मेट सेजल का सीक्वल बना लो, ये पैसे का बेहतर इस्तेमाल होगा। लेकिन जिस हिसाब से स्टार्क परफॉर्म कर रहे हैं उस हिसाब से तो पैसे वसूल नहीं हो रहे। कुछ यही हाल बेंगलुरु के मैक्सवेल का है, जिनकी वजह से बेंगलुरु के फैंस अनवेल हैं। लेटेस्ट न्यूज ये है कि मैक्सवेल ने खुद को ड्रॉप कर लिया है। उन्होंने बेंगलुरु के कोच के पास जाकर बोला कि मैं 100% नहीं दे पा रहा हूं, किसी और को चांस दे दो। दिक्कत यह है कि मैक्सवेल और स्टार्क जो यहां परफॉर्म नहीं कर रहे वो ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत बढ़िया परफॉर्म करते हैं। करण शर्मा के 3 छक्के खा चुके स्टार्क से इंटरनेशनल क्रिकेट में बड़े बड़े बल्लेबाज कांपते हैं, और मैक्सवेल को ऑस्ट्रेलिया के लिए किसने परफॉर्म करते नहीं देखा है बताइए। पिछले साल वर्ल्ड कप में एक टांग पर खड़े होकर इनने डबल सेंचुरी लगाई थी। अगर ये लोग अपने देश के लिए इतना बढ़िया कमिटमेंट दिखाते हैं तो यहां आईपीएल में आकर इतनी मोटी फीस उठाकर भी परफॉर्म क्यों नहीं करते? ये क्या स्कैम नहीं है? आप लोग ये बताइए कि क्या कारण है कि अपने देश के लिए बढ़िया करने वाले ये ऑस्ट्रेलियन स्टार्स आईपीएल में बेकार साबित होते? और जब तक आप ये बताओगे तब तक मैं आपको एक बहुत बढ़िया ऑफर के बारे में बता देता हूं। ऑफर लेने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया उस पे जाके माई 11 सर्कल ऐप को डाउनलोड करना है और भी पहला डिपॉजिट करना है। फिर आप खेल सकते हो 5 मेगा कॉन्टेस्ट मात्र ₹1 में, मतलब 5 कॉन्टेस्ट की एंट्री फीस हो जाएगी मात्र ₹1। 5 टीम्स बनाओ ₹5 में, 50 to 99 डिपॉजिट करने पर मिलेगा 2 मेगा कॉन्टेस्ट at 1, 100 to 199 डिपॉजिट करने पर मिलेगा 3 मेगा कॉन्टेस्ट at 1 और 200 से ऊपर डिपॉजिट पर 5 मेगा कॉन्टेस्ट at 1। मैं रिकमेंड करता हूं कि ऑफर का फुल फायदा उठाना है तो कम से कम ₹200 डिपॉजिट करके 5 मेगा कॉन्टेस्ट का मजा लूटना। फायदा ही फायदा है, क्योंकि 49 का मेगा कॉन्टेस्ट आपको ₹1 में मिल रहा है। बस ये याद रखना कि ये कॉन्टेस्ट सिर्फ मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए है और जो लिंक मैंने आज डिस्क्रिप्शन में दिया है वहीं से ये एक्टिवेट होगा। ऐप डाउनलोड करने के बाद पहले 1 घंटे के अंदर आपको डिपॉजिट करना है और मेगा कॉन्टेस्ट जीतने पर मिनिमम 1 करोड़ का प्राइस तो है, ये आपको मालूम ही होगा। 1500 का ज्वाइनिंग बोनस भी है, क्या समझे? फिलहाल वीडियो में आगे बढ़ते हैं और कल के मैच की बात करते हैं। पंजाब का एक फैन यहां पर एक पोस्टर लेकर आया था जिसमें लिखा था कि अगर पंजाब जीत गई तो 50 रसगुल्ला खाऊंगा। पंजाब वाले अपने फैंस की सेहत का कितना ख्याल रखते हैं। उन्होंने कहा कि हार जाएंगे लेकिन अपने फैन को डायबिटीज नहीं होने देंगे। इसलिए टॉस जीतने के बाद पहले बैटिंग ली और फिर बैटिंग करी नहीं। वो तो चलो पंजाब वाले वैसे भी नहीं करते, लेकिन कल उनके सबसे कामयाब बल्लेबाज शशांक सिंह और आशुतोष शर्मा भी नहीं चले, और इसकी सबसे बड़ी वजह बने गुजरात के स्पिनर साई किशोर, जिन्होंने 4 विकेट लिए। अगर हरप्रीत ब्रार न चले होते तो पंजाब वाले पहले ही फरार हो चुके होते, लेकिन हरप्रीत की वजह से 142 बनाकर ऑल आउट हो गए। छोटा टारगेट था इसलिए गुजरात की शुरुआत शायद स्लो रही। गिल और साई सुदर्शन रन तो बना रहे थे लेकिन धीमी पेस से, यही वजह थी कि मामला 24 गेंद 38 रन तक आ गया। लेकिन क्या आपको पता है गुजरात ने अपनी टीम में तेवतिया को क्यों ले रखा है? ताकि साल में एक बार जब वो पंजाब के खिलाफ खेलते हैं तो तेवतिया उनको पेलते हैं। जी, तेवतिया को पता नहीं पंजाब से क्या दिक्कत है, वो खुद कहीं भी रहे पंजाब को पेलना नहीं भूलते। यही काम वो राजस्थान के लिए करते थे और अब यही काम गुजरात के लिए कर रहे हैं। कल 18 गेंदों में 36 बनाकर हिंट दे दिया उन्होंने कि उनका पंजाब के साथ 36 का आंकड़ा है और गुजरात को बड़ी आराम से जीत दिला दी। पंजाब लगातार 4th मैच हार चुका है और टूर्नामेंट में सिर्फ बेंगलुरु वालों से ऊपर है। आज है मुंबई और राजस्थान के बीच मजेदार मुकाबला और इस मुकाबले के लिए ये रही मेरी माई 11 सर्कल ऐप वाली टीम। मेरे विकेट कीपर है बटलर, ईशान किशन और सैमसन। बैटिंग करेंगे सूर्या, यशस्वी और रोहित। ऑलराउंडर होंगे हार्दिक और रियान पराग, जबकि गेंदबाज होंगे चहल, बुमराह और बोल्ट। सूर्य कुमार यादव को मैं कैप्टन बना रहा हूं और बटलर मेरे उपकप्तान होंगे। याद रखिए, आज आपके पास मौका है 5 मेगा कॉन्टेस्ट ₹5 में खेलने का, इसलिए तुरंत से पहले डाउनलोड करिए माई 11 सर्कल ऐप। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, और याद रखना दिस गेम इन्वॉल्व्स एन एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिस्क एंड मे बी एडिक्टिव, प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली एंड एट योर ओन रिस्क। बाकी रिस्क है तो इश्क है। आपसे मिलते हैं कल एक और कड़क वीडियो के साथ। जाने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। फेसबुक पे देख रहे हो तो पेज को जरूर लाइक करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, जल्दी मिलते हैं। जय हिंद।